हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. माई सेल्फ जेपी सर एंड यू आर वॉचिंग दिस लेक्चर. ओके, नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर. ओके, सो एंड इट्स अ नेम इज फंक्शन. ओके, सो सबसे पहले हम जो ये हमारा फंक्शन टॉपिक है, ये बोर्ड की एग्जाम में कितने मार्क्स का पूछा जाता है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे. सो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारा जो फंक्शन का फर्स्ट टॉपिक है दैट इज आइडेंटिफाइंग द फंक्शन. ऑलराइट, सो ये 3 मार्क्स का बोर्ड की एग्जाम में पूछा जाता है. एंड नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस में भी फंक्शन आता है एंड वह 5 मार्क्स का पूछा जाता है. एंड द लास्ट टॉपिक इज रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स में ये टोटल 4 मार्क्स का पूछा जाता है. सो इस तरीके से अगर हम बात करें फंक्शन की, सो टोटल 12 मार्क्स का बोर्ड की एग्जाम में फंक्शन पूछा जाता है. फंक्शन, ओके, सो फंक्शन के आइडेंटिफिकेशन में हम टोटल 14 पार्ट्स के बारे में सीखेंगे. बट अभी मैं जो लेक्चर आप सभी को दे रहा हूँ उसमें हम पार्ट 1 में ओनली 14 फंक्शन सीखेंगे एंड देन पार्ट 2 में हमारा नेक्स्ट 14 फंक्शन आएगा. ओके, सो देखते हैं. सबसे पहला हमारा जो फंक्शन है दैट इज कॉन्ट्रास्ट. ओके, सो कॉन्ट्रास्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू से यू व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रास्ट. सो अगर हम बात करें कॉन्ट्रास्ट की, सो कॉन्ट्रास्ट का मीनिंग होता है विरोधाभास. दैट मीन्स विरोधा. ओके, दैट मीन्स कोई भी दो सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट को शो करते हैं, सो उसे हम कॉन्ट्रास्ट कहते हैं. राइट, दैट मीन्स कोई भी दो सेंटेंस एक दूसरे के विरोधी अर्थ को शो करते हैं, सो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रास्ट. ओके, सो आइए देखते हैं इसके कीवर्ड्स. ओके, सो कीवर्ड्स की अगर हम बात करें, सो इसमें काफ़ी सारे कीवर्ड्स हैं जो कॉन्ट्रास्ट फंक्शन को शो करते हैं. ओके, सो यू नो, सबसे पहले अगर हम बात करें, सो बट येट स्टील. ओके, दिस 3 आर कॉमन, बट येट स्टील एंड देन दो, ऑल दो, इवन दो, इवन इफ. ओके, सो ये भी सारे कॉमन है, दो, ऑल दो, इवन इफ. ओके, फिर नेक्स्ट बात करें, सो हाउ एवर एंड एज, देन इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट. सो आइए थोड़ी सी इसकी शॉर्ट चर्चा हम कर लेते हैं. सबसे पहले अगर हम बात करें बट येट स्टील की, राइट, सो दिस 3 आर कॉमन. ऑलराइट, देन दो, ऑल दो, इवन इफ. ओके, ये 4 वर्ड्स कॉमन है. देन हाउ एवर एंड एज, देन इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट. ओके, सो आइए अब हम इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं जिससे ये टॉपिक आपको क्लियर हो सके. ओके, सो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि कॉन्ट्रास्ट का मीनिंग विरोधाभास होता है, दैट मीन्स अपोजिट. ऑलराइट, सो आई हैव गिवन वन एग्जाम्पल फॉर यू. ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट. दैट मीन्स वह गरीब है लेकिन वह क्या है, ईमानदार है. राइट, दैट मीन्स आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट हैं, कि वह गरीब होने के बावजूद भी ऑनेस्ट हैं. राइट, सो वी विल यूज हियर बट, एंड यू नो बट येट एंड स्टील, दीज आर 3 कॉमन. ओके, सो नाउ नेक्स्ट दो की बात करें, सो दो, ऑल दो, इवन इफ, दीज 4 वर्ड्स आर कॉमन. सो फर्स्ट वी विल यूज दो. राइट, सो दो ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट. सो डिफरेंट क्या है वो देखते हैं हम. यहाँ पर हम जो बट है वो दो सेंटेंस के बीच में यूज करते हैं. ऑलराइट, देन अगर हम बात करें दो की, सो दो वाक्य के शुरुआत में आता है. ओनली वन डिफरेंट कि बट जो है वो दो सेंटेंस के बीच में आता है और दो को हम वाक्य के शुरुआत में ले लेते हैं. सो दो ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट. अब अगर प्रॉपर मीनिंग की बात करें, सो दो का मीनिंग होता है यद्यपि, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं हालांकि. यद्यपि वह गरीब है लेकिन वह क्या है, ईमानदार है. सो अब हम दो की जगह ऑल दो, इवन दो, इवन इफ, ये 4 वर्ड्स यूज कर सकते हैं. सो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा सेंटेंस लिखने की नीड नहीं है. ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हाउ एवर की. सो हाउ एवर का यूज क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ. हाउ एवर के जस्ट बाद एडजेक्टिव आता है. हम सभी को ये खास ध्यान रखना है, हाउ एवर और एज में
only one different, that is we will use adjective after however, but we will use adjective before as. All right, that means हम adjective को however के बाद में use करते हैं और एज के पहले यूज करते हैं, राइट? सो दोनों टॉपिक का जो डिफरेंट था वो मैंने आपको बता दिया. सो आइए हम सेंटेंस देखते हैं. हाउएवर पुअर ही इज ऑनेस्ट. ऑल राइट, दैट मीन्स वह गरीब है फिर भी वह क्या है, ईमानदार है. दैट नेक्स्ट, पुअर एज ही इज ऑनेस्ट. डिफरेंट तो आपको पता चली गया. नाउ लास्ट जो हमारा टॉपिक है, इंस्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट. सो इंस्पाइट ऑफ के बाद हम नाउन फॉर्म यूज करते हैं. सो यू नो पुअर इज वन काइंड ऑफ एडजेक्टिव. अब हम इस एडजेक्टिव को नाउन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सो आइए देखते हैं क्या होगा. इंस्पाइट ऑफ, ओके, ही के लिए क्या आएगा, हिज. इंस्पाइट ऑफ हिज, अब आप देख सकते हैं यहां पर एडजेक्टिव में पुअर है. सो पुअर का क्या हो जाएगा, पॉवर्टी. Alright, so in spite of his poverty, he is honest. इसका ट्रांसलेशन अगर देखेंगे, so in spite of का प्रॉपर मीनिंग होता है के बावजूद. That means उसकी गरीबी के बावजूद वह क्या है, ईमानदार है. Alright, so friends यहाँ पे हमारा ये contrast जो function है वो finish होता है. Now, अब हम देखते हैं हमारा second topic and that is result. Okay, so result का proper meaning तो आप लोगों को पता ही होगा. रिजल्ट मीन्स परिणाम. ओके, सो आइए देखते हैं कि परिणाम को दर्शाने के लिए कौन से कीवर्ड्स हमारे फंक्शन में हैं. सो दीज आर द कीवर्ड्स ऑफ रिजल्ट. ओके, सो देयरफॉर, टू, इनफ टू, सो दैट एंड सच दैट, दीज आर कीवर्ड्स ऑफ रिजल्ट. ओके, सो ये तो मैंने कीवर्ड्स की बात की, बट अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसका यूज हमें कब और कैसे करना है और कौन सी सिचुएशन में करना है, राइट? सो देखते हैं. दिस बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट. दैट मीन्स सपोज यू आपके पास कोई बॉक्स है और वो काफ़ी हैवी है, राइट? सो यू कैन से दैट दिस बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट. लिफ्ट मीन्स उठाना. दैट मीन्स ये जो बॉक्स है वो काफ़ी हैवी है उठाने में, राइट? सो वी विल यूज हियर टू. ऑलराइट, नेक्स्ट, बाहुबली वॉज ब्रेव इनफ टू फाइट विथ एनिमी. ओके, सो अब हम बात कर रहे हैं इनफ टू की. सो इनफ टू का प्रॉपर मीनिंग होता है पर्याप्त. दैट मीन्स हमने किसी टॉपिक की बात की और हमने कहा कि मतलब उस वह इस फाइट को लड़ने में सक्षम है. दैट मीन्स कैपेबल है. दैट मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि इनफ टू का एक तरीके से पर्याप्त मीनिंग होता है, राइट? फॉर यू कैन से जैसे कि आपने सुना होगा एग्जाम्पल कि द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक. मीन्स चाय पीने में ज़्यादा गर्म है. द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक. बट अमुक लोग ऐसा भी कहते हैं कि हाँ, चाय जितनी गर्म होनी चाहिए उतनी ही गर्म है. सो ऐसे सेंटेंस में हम इनफ टू यूज करेंगे. बट अतिशयता को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टू. ओके, सो नाउ ये जो सेंटेंस मैंने अभी आपको बताया, बाहुबली वॉज ब्रेव इनफ टू फाइट विथ एनिमी, दैट मीन्स बाहुबली काफ़ी बहादुर था टू फाइट विथ एनिमी. एनिमी मीन्स यू नो दुश्मन. अपने दुश्मनों के साथ लड़ने में बाहुबली काफ़ी क्या था, ब्रेव था, मीन्स बहादुर था. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, जय इज सो क्लेवर दैट ही कैन पास एनी एग्जाम. ओके, सो जय नाम का कोई पर्सन है, वो क्लेवर मीन्स चालाक है, मतलब इतना चालाक है कि ही कैन पास एनी एग्जाम, कि वो किसी भी एग्जाम को पास कर सकता है. ऑल राइट स्टूडेंट, सो यहाँ पर हमने सो दैट यूज किया. ओके, सो यहाँ पर हमारा जो सेकेंड फंक्शन था रिजल्ट, वो भी क्या होता है, कंप्लीट होता है. नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन, सो दैट इज मैनर. ओके, सो अगर मैनर की बात करें, सो प्रॉपर उसका मीनिंग होता है तरीका. ऑल राइट, सो अब मैनर के लिए दो कीवर्ड्स हैं, एज एंड लाइक. ओके, सो दिस टू वर्ड्स आर द कीवर्ड्स ऑफ मैनर. ओके, सो आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल जिससे हम ये दोनों कीवर्ड्स को आसानी से समझ सकें. ओके, सो देखते हैं स्टूडेंट्स. प्रिया डांस्ड एज रेमो सजेस्टेड. ओके, सो रेमो एक चर्चित नाम है, यू नो. सो प्रिया ने डांस किया था
एज रेमो सजेस्टेड, जैसा रेमो ने उसे सजेस्ट किया था, दैट मीन्स उसे सुझाव दिया था, वैसा प्रिया ने क्या किया था, डांस किया था, दैट मीन्स वी विल यूज हियर एज. ऑलराइट, सो यू कैन सी हियर. नेक्स्ट, मनन रन्स लाइक मीका सिंह. ओके, सो मनन रन्स, रन्स मीन्स दौड़ता है, लाइक मीका सिंह. ओके, दैट मीन्स हम बता रहे हैं सामने वाले को कि मनन जो उसकी रनिंग है वो मीका सिंह की तरह है, राइट. नेक्स्ट, ही स्पीक एज मोदी जी डज. ओके, सो यहाँ पर हमने एज यूज किया एंड यू नो मोदी जी. ओके, सो ही स्पीक एज मोदी जी डज, दैट मीन्स वह बोलता है एज किसकी तरह, मोदी जी की तरह. ओके, सो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मैनर्स को शो करने के लिए ये टू वर्ड्स हैं. ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पर हमने टॉपिक नंबर 3 फिनिश किया. नाउ अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सपोजिशन. ओके, सो अगर हम बात करें सपोजिशन की, सो अगर हम बात करें इसका हिंदी मीनिंग की, सो इसका प्रॉपर अगर मीनिंग की बात करें, सो किसी थिंग्स या किसी सिचुएशन की कल्पना करना, या फिर हम कह सकते हैं मानना, किसी बात को मान लेना, राइट. सो ये उसके प्रॉपर हिंदी मीनिंग है सपोजिशन. ओके, सो आइए अब हम देखते हैं इसके कीवर्ड्स. सो एज इफ, एज दो, ऑलराइट. सो दिस टू वर्ड्स आर द कीवर्ड्स ऑफ सपोजिशन. ओके, सो आइए अब हम इसे अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. सो पहले हम बात करते हैं एज इफ की, ऑलराइट. सो हियर आई हैव गिवन यू वन एग्जाम्पल, मयूर स्पीक्स एज इफ ही वेयर अमिताभ बच्चन. ओके, मयूर स्पीक्स, मयूर बोलता है जैसे कि वह अमिताभ बच्चन हो, ऑलराइट. दैट मीन्स एक सपोजिशन है, वह अमिताभ बच्चन है नहीं, बट वो इस तरीके से बोलता है कि जैसे कि वो खुद अमिताभ बच्चन ही ना हो, राइट. दैट मीन्स हम एक सपोजिशन कर रहे हैं. सो एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर आगे जो कंप्लीट द सेंटेंस आएंगे उसमें काफ़ी डीप में आपको सिखाया जाएगा कि एज इफ के साथ हमेशा वेयर यूज होता है. दैट मीन्स एज इफ की जो सेंटेंस पैटर्न है, अमुक लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर ने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, ही के साथ में वह जाना चाहिए, बट अमुक लोगों को ऐसा लग रहा होगा सर ने बाई मिस्टेक यहाँ पे वेयर यूज किया है. बट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एज इफ के साथ में हमेशा सब्जेक्ट के साथ में वेयर आता है, ये सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में आता है. ओके स्टूडेंट, सो इस बात का ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट, मीता सिंग्स एज इफ सी वेयर लता जी. मीता नाम की कोई लड़की है जो सिंग्स गाती है जैसे कि वह क्या हो, लता मंगेशकर हो, राइट. दैट मीन्स उसके गाने की ट्रिक या उसके गाने के जो भी रिदम है, जो भी आप समझे, वो कुछ इस तरीके के कि जैसे कि वह लता जी हो, राइट. नेक्स्ट अगर हम बात करें लास्ट सेंटेंस की, सो एज दो. ओके, इट लुक्ड एज दो इट वॉज गोइंग टू रेन. दैट मीन्स इट लुक्ड, ऐसा लग रहा था एज दो, जैसे कि इट वॉज गोइंग टू रेन, के बरसात शुरू हो जाएगी, राइट. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने एज इफ और एज दो, ये दोनों टॉपिक से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखे. बट मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि अगर आप अपने इंग्लिश ग्रामर को पावरफुल करना चाहते हैं, सो प्लीज एग्जाम्पल्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए. ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए बताए हैं, बट इतने एग्जाम्पल से हमारा काम चलने वाला नहीं है. सो अगर हमें ग्रामर में मास्टरी हासिल करनी है, सो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी होगी. ओके स्टूडेंट, हम नेक्स्ट फंक्शन के बारे में सीखेंगे. ओके, सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन. ओके, सो नंबर 5, एडवाइस और सजेशन. हमारा जो न्यू फंक्शन है उसका नाम है एडवाइस और सजेशन. ओके, सो एडवाइस एंड सजेशन की अगर बात करें स्टूडेंट्स, सो यू नो द मीनिंग ऑफ एडवाइस. ओके, आप सभी को पता है कि एडवाइस मीन्स होता है किसी को सलाह देना या सुझाव देना. ओके, सो उसे हम कहते हैं एडवाइस. वी कैन ऑल्सो यूज सजेशन वर्ड फॉर दिस. ओके, सो आइए अब हम देखते हैं कीवर्ड्स. दैट मीन्स
इस फंक्शन में हम कौन कौन से कीवर्ड्स यूज करेंगे. सो फर्स्ट इज शुड, सेकेंड इज ऑट टू, एंड थर्ड इज हैड बेटर. ऑलराइट, सो दीज आर द कीवर्ड्स ऑफ एडवाइज फंक्शन. सो ये तो हमने बात की कीवर्ड्स के नेम की, बट इसे अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें कुछ एग्जांपल्स देखने पड़ेंगे, जिससे आप लोगों को आइडिया आ सके कि इसका यूज कब और कौन सी सिचुएशन में होता है. सो हियर आई हैव गिवन वन एग्जांपल फॉर यू. यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, दैट मीन्स आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए. दैट मीन्स हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर. देन हीरल ought to work hard. हीरल नाम की कोई लड़की है जिसे हम सजेस्ट कर रहे हैं कि हीरल को हार्ड वर्क करना चाहिए. एंड देन वी हैड बेटर स्टे इन आवर होम्स, दैट मीन्स वी मीन्स हम, हैड बेटर मीन्स अच्छा था, स्टे मीन्स रहना, इन आवर होम्स मीन्स हम किसी को बता रहे हैं कि हमारे लिए घर पर रहना ही अच्छा था. ऑलराइट, सो ये तो हमने देखा एडवाइज फंक्शन के बारे में. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट अवर न्यू फंक्शन एंड इट्स अ नेम इज पर्पज और इंटेंशन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पर्पज. सो यू नो पर्पज मीन्स होता है कि किसी टारगेट कह सकते हैं या किसी हेतु से, किसी उद्देश्य से. ऑलराइट, दैट मीन्स आप किसी काम को कर रहे हैं. सो सिंपल सी बात है कि उस काम को करने के पीछे का कोई ना कोई आपका हेतु या उद्देश्य जरूर होगा. राइट, सो वी कैन ऑल्सो से इट इंटेंशन. ऑलराइट स्टूडेंट, सो मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ कि किसी हेतु या उद्देश्य को शो करने के लिए हम इस फंक्शन का यूज करते हैं. सो आइए देखते हैं सभी फंक्शन की तरह इसमें भी कीवर्ड्स. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ 4 कीवर्ड्स हैं ये हमारे पर्पज फंक्शन को शो करने के लिए. सो फर्स्ट इज इन ऑर्डर टू, सेकेंड इज इन ऑर्डर दैट, थर्ड इज सो दैट, एंड फोर्थ एंड द लास्ट इज विथ अ व्यू टू. ओके, सो दीज 4 आर द कीवर्ड्स ऑफ इंटेंशन और पर्पज. ओके, सो ये तो हमने देखा कीवर्ड्स के नेम. सो इसे अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें कुछ एग्जांपल्स भी देखने पड़ेंगे, जैसे हमने पहले के फंक्शंस के बारे में सीखा है. सो देखते हैं, सबसे फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, मिस्टर पटेल वेंट टू USA इन ऑर्डर टू अर्न मनी. ओके, सो आइए इसे समझते हैं. मिस्टर पटेल वेंट टू USA, राइट, मिस्टर पटेल USA गए थे टू अर्न, सॉरी इन ऑर्डर टू अर्न मनी. इन ऑर्डर टू, दैट इज द वर्ड दैट शोज पर्पज, वो किसी हेतु को शो करता है कि भाई जो मिस्टर पटेल थे वो USA गए थे, किस लिए गए थे, कि उनका हेतु था. क्या हेतु, उनका लक्ष्य क्या था, अर्न मनी, दैट मीन्स पैसा कमाने के पर्पज से वे कहाँ गए थे, अमेरिका. ऑलराइट, नंबर टू, माय ब्रदर ज्वाइन आर्मी, मेरे ब्रदर ने आर्मी ज्वाइन किया था विथ अ व्यू टू सर्विंग द नेशन, जो राष्ट्र की सेवा करने के हेतु से मेरे ब्रदर ने आर्मी ज्वाइन किया था. दैट मीन्स यहां पर जो विथ अ व्यू टू का यूज हुआ है वो क्या शो करता है, किसी उद्देश्य को, किसी लक्ष्य को, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कोई हेतु को दर्शाने के लिए हमने यहाँ पर विथ ए व्यू टू का यूज किया है. दैट मीन्स आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में हेतु क्या है, सर्विंग द नेशन, दैट मीन्स देश की सेवा करना, ये इस सेंटेंस का पर्पज है. सो वी विल यूज हियर विथ अ व्यू टू. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, यू ज्वाइन स्पोकन क्लास, आपने स्पोकन क्लास ज्वाइन किया था सो दैट, जिससे कि यू कैन लर्न इंग्लिश,
कि आप इंग्लिश सीख सकते हो, राइट? दैट मीन्स आपके इंग्लिश सीखने का जो पर्पज है उसके लिए आप लोगों ने स्पोकन क्लास ज्वाइन किया था. सो वी विल ऑल्सो यूज सो दैट, ओके, टू सो दिस फंक्शन. ऑल राइट, सो स्टूडेंट्स, ये तो हमने बात की फंक्शन नंबर 6 की, ओके. नाउ अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है नंबर 7, दैट इज हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट. ऑल राइट, दैट मीन्स हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, ओके. वी कैन ऑल्सो से इट हैबिचुअल पास्ट. सो आइए देखते हैं हैबिचुअल पास्ट होता क्या है. सो वेरी सिंपल, सबसे पहले ये जो हैबिचुअल वर्ड है वो आया कहाँ से है? हैबिट, ओके. यू नो हैबिट, सभी पर्सन की अलग अलग टाइप की हैबिट होती है, राइट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आदत. सो उससे ये वर्ड आया है हैबिचुअल, ओके. पास्ट, पास्ट मीन्स यू नो भूतकाल. ऑल राइट, सो हैबिचुअल पास्ट का प्रॉपर मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स? भूतकाल की कोई हैबिट मीन्स आदत. सो कोई भी भूतकाल की जो हैबिट है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट. ऑल राइट, नाउ वी विल सी की वर्ड्स फॉर दिस फंक्शन. सो हियर वी कैन यूज टू की वर्ड्स, ओके. फर्स्ट इज यूज्ड टू एंड सेकेंड इज टू बी यूज्ड टू. बट हमें एक बात का खास ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर यूज टू के साथ में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ओके. वी विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विथ यूज टू एंड देन टू बी यूज टू प्लस. यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि टू बी यूज टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी फॉर्म आएगा. ऑल राइट स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं टू बी फॉर्म की. सो ये आपने प्राइमरी के लेवल में पढ़ा ही होगा. टू बी मीन्स होता है जो टू बी फॉर्म, दैट मीन्स इज, आर, एम, वॉच, वेयर, ओके. सो दीज आर द टू बी फॉर्म्स, ओके. सो यहाँ पर हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि कभी भी टू बी फॉर्म के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म में हम आई एन जी एड कर देते हैं, राइट. सो ये तो हमने देखा टू की वर्ड्स ऑफ दिस फंक्शन, ओके. नाउ वी विल सी सम एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेरी क्लियरली, ओके. सो फर्स्ट एग्जाम्पल्स यहाँ पर गिवन है. आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दैट मीन्स मैं मॉर्निंग में जल्दी उठता था, मैं सुबह जल्दी उठता था, राइट. सो यहाँ पर अगर हम बात करें यूज टू की, सो ये जो वर्ड है वो सिर्फ दर्शा रहा है कि भाई ये हमारी मतलब पास्ट की कोई हैबिट है. ऑल राइट, सो आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. नेक्स्ट नंबर टू. नाउ अब हम बात करते हैं टू बी यूज टू का, एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं. He is used to playing cricket. All right. He is used to playing cricket. That means अगर हम translation की बात करें student, so इसका translation होगा कि वह cricket खेल रहा है, right? He is used to playing cricket. Okay student. So ये तो हमने 7 function के बारे में उनके names देखें, कीवर्ड्स देखें और उसके कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने उसे समझने की कोशिश की. बट स्टूडेंट, मैं आप लोगों को रिपीट करना चाहता हूँ कि इस पार्ट में हमने 7 फंक्शन के बारे में सीखा है और हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें भी हम 7 फंक्शन के बारे में सीखेंगे. दैट मीन्स हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों को मिलाकर टोटल 14 फंक्शन के बारे में सीखेंगे. और ये हमारा टॉपिक क्या है, जैसा कि आपको कहा गया था कि ये हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शन है, ओके स्टूडेंट. सो यहाँ पर मैं अपने लेक्चर को फिनिश करता हूँ. आई होप ये लेक्चर आप सभी को कंप्लीट समझ में आया होगा, ओके. थैंक यू सो मच.